हेलो दोस्तों, कैसे आप। मेरा नाम है तेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने गैलेक्सी S22 अल्ट्रा मोबाइल है या फिर आपका नोट सीरीज़ का जो मोबाइल है डेक्स को सपोर्ट करता है, यानी कि आपका डेस्कटॉप एक्सपीरियंस फीचर उसको सपोर्ट करता है, उसको अपने मॉनिटर में या फिर अपने टीवी में कैसे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, उसे वायरलेसली भी मैंने आपको बताया था कैसे आप मीराकास्ट टेक्नोलॉजी की सहायता से डेक्स फीचर को अपने स्मार्ट टीवी यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों, मैं आपको ऑफलाइन मेथड बताऊंगा, यानी कि आपका HDMI केबल के थ्रू अपने मॉनिटर या फिर स्मार्ट टीवी में अपने डेक्स फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं गैलेक्सी S22 अल्ट्रा मोबाइल के साथ में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे मैं डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों, डेक्स फीचर को अपने मॉनिटर में या फिर टीवी में यूज़ करने के लिए आपको एक Type-C2 HDMI डोंगल, इस टाइप का डोंगल इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने दोस्तों देख सकते हैं पीबॉक्स का एक ऑर्डर किया था अमेजन से, तो ये 900 रुपीज़ में मुझे मिल गया, काफ़ी बेटर फीचर के साथ में आता है। इसमें आप देख सकते हैं आपका HDMI एक पोर्ट भी है, आपके अलावा एक USB टाइप ए पोर्ट भी है। और दोस्तों, टाइप सी पोर्ट के थ्रू आप अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं जब आपका HDMI केबल के थ्रू ये टीवी से या फिर मॉनिटर से कनेक्टेड है। अब दोस्तों, मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ मोबाइल के साथ में इस Type-C2 HDMI अडेप्टर को, और डेक्स फीचर को आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने एक वायरलेस कीबोर्ड माउस भी ये ले लिया है सेटअप को दिखाने के लिए। आप ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा कैसे आप ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस अपने गैलेक्सी S22 अल्ट्रा मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो Type-C2 HDMI डोंगल है इसको Type-C पोर्ट से कनेक्ट करते हैं मोबाइल के। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको HDMI केबल है जो टीवी का, उसको इससे कनेक्ट करना है। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका ये Type-C2 HDMI डोंगल, इसके थ्रू आपका स्क्रीन मिरर हो गया है ये मोबाइल आपके टीवी पे। अब डेक्स को आपको कैसे यूज़ करना है बताता हूँ। दोस्तों, आपको ऊपर से स्वाइप डाउन करना है मोबाइल को, या क्विक सेटिंग्स हैं उसमें आपको जाना है। इसके बाद में आपको ये डेक्स का एक फीचर मिलेगा, उसको टच करते हैं यहाँ से। इसके बाद में आपका थोड़ी देर में ये टीवी पर डेक्स इनेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं टीवी पर डेक्स का फीचर ये इनेबल हो गया है। ये इस तरीके से इसका इंटरफेस होता है, ये इस तरीके से आपको शो हो रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं, आप स्वाइप डाउन करेंगे नोटिफिकेशन में तो आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा, यूज़ योर फ़ोन एज ए टच पैड। तो इसको मैं टच करता हूँ यहाँ से, तो आप इसको अपने फ़ोन को एज ए टच पैड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आप फोल्डर्स या फिर एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, जैसे मैं गैलरी ओपन किया तो इस तरीके से ये फाइल्स में यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो ये टच पैड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये Type-C2 HDMI जो अडेप्टर, इसमें आप देख सकते हैं Type-A का एक पोर्ट भी है, तो इसमें मैं USB कीबोर्ड माउस को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं ये वायरलेस कीबोर्ड माउस का मेरा USB ट्रांसमीटर है, इसको मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों, मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। एक स्टैंड भी साथ आया था, ये पीबॉक्स का जो ये अडेप्टर था इसके साथ में स्टैंड आया था, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। स्टैंड में लग गया। अब मैं इसको अपना जो माउस और कीबोर्ड है उसके थ्रू इसको यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये माउस मेरा काम कर रहा है। यहाँ पर मैं कोई भी एप्लीकेशन या फाइल्स यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। फाइल्स ओपन हो गई, एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से, गैलरी ओपन कर सकते हैं, इस तरीके से ये ओपन हो रही है। और कीबोर्ड से मैं टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे कुछ टाइप करके मैं आपको बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ एप्लीकेशंस में, यहाँ से गूगल ड्रॉप का एक ओपन कर लेते हैं हम। गूगल डॉक्यूमेंट है, यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद है एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आप कीबोर्ड से इजीली इसमें टाइप कर सकते हैं और अपने मोबाइल को एज ए फुल डेस्कटॉप की तरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का फीचर है ये आपका डेक्स का जो फीचर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप सैमसंग का जो डेक्स फीचर है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने मॉनिटर या टीवी के साथ में। वायर्ड मेथड मैंने आपको बताया, HDMI केबल के थ्रू आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये Type-C2 HDMI का डोंगल लेना पड़ता है, और आप कीबोर्ड माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली आपने मोबाइल में काम कर सकते हैं जस्ट लाइक आप डेस्कटॉप की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट आपको फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।